सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल सचिन डेली टेक। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी जीमेल आईडी कैसे ऐड कर सकते हो। आप इसकी हेल्प से अपने फेसबुक अकाउंट को कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से उसे भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फेसबुक ऐप ओपन कर लेना। देन इसे ओपन करने के बाद आपको राइट कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा या फिर थ्री लाइंस का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। गाइस, नीचे जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से सेटिंग पर क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन शो हो रहा होगा सबसे ऊपर में ही अकाउंट सेंटर का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, अब आपको नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा पर्सनल डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके फेसबुक अकाउंट पर जितने भी ईमेल्स या फ़ोन नंबर ऐड होंगे वो सारे यहाँ पर शो करेंगे, और अगर आपके शो नहीं कर रहे हैं और आपको नया ऐड करना है, यानी कि आपको नई जीमेल या नया फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो आपको नीचे से ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको जीमेल या फ़ोन नंबर में से जो भी ऐड करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम जीमेल आईडी को ऐड करने वाले हैं, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। गाइज, ईमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटर योर ईमेल एड्रेस, तो गाइज आपको उसके नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे फेसबुक और इंस्टा के। तो गाइज, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। देन गाइज, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ से अपना फेसबुक सिलेक्ट कर लेना है। गाइज, फेसबुक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। गाइज, नेक्स्ट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर जिसे आप ऐड करना चाहते हो उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो गाइज, सबसे पहले मैं अपनी जीमेल आईडी पर वो ओटीपी आ गया देखता हूँ। देन हमें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। देन गाइज, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। गाइज, नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपका लिखा दिख रहा है कि आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो गई है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।